हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल तवर सिंह। इसमें आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर कोई पहली बार इस चैनल पे आया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में बेल का आइकन है उसे दबाएं ताकि आपको आने वाली नई नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जो आज की वैकेंसी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो हरियाणा में वैकेंसी निकली हुई है, वो है डीसी रेट की वैकेंसी। इसमें क्या कुछ मांगा गया है ये आप नोट कर लीजिएगा। ये जो वैकेंसी है वो इसकी जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो सैनिक स्कूल रेवाड़ी में इसकी वैकेंसी निकली है और ये सभी डीसी रेट पे हैं। और उसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 5 वैकेंसी हैं। इसमें क्या क्या है वैकेंसी, इसमें जो पहली वैकेंसी है तो इसमें सैनिक स्कूल में रेवाड़ी में जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी डिटेल इस प्रकार है। जो पीजीटी मैथ की वैकेंसी थी उसकी एक पोस्ट है और ये 1 साल के लिए इसमें लगाए जाते हैं, डीसी रेट पे है ये। और उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट मैथ विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और जो डिस्क्राइबल है इसकी वो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन मैथ इन पब्लिक स्कूल। और सेकंड जो आपकी है वो सी टेट एंड एस टेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। और इसमें जो सैलरी है, पे स्केल है, वो 30,000 पर मंथ एक्सपेक्ट ड्यूरिंग वैकेंसीज लेवल, यानी जो आपकी पे स्केल लगाई गई है वो 30,000 रुपये पर मंथ लगाई गई है। और इसमें एज है जो पहली कैटेगरी पीजीटी मैथ वाली टीचर की, इसमें आपकी कम से कम आपकी उम्र 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी आती है बैंड मास्टर की, ये 1 साल के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो होता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पोटेशनल एंड बैंड मास्टर मेजर ड्रम मेजर कोर्स एट द AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पचमेरी ऑफ इक्विपमेंट नेवल एयर फोर्स कोर्स, ये आपका होना चाहिए। और इसमें जो सैलरी है इसकी वो 19,000 रुपये पर मंथ है और एज है इसकी 18 से लेके 50 साल तक, यानी आपके कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद जो सी लेवल की है, जिन तीसरी वैकेंसी है वो LDC की वैकेंसी है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आपकी जो 10वीं है वो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से आपकी पास होनी चाहिए। और इसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए। और इसमें आपका प्रोफेशन इन कंप्यूटर MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें जो नॉलेज ऑफ अकाउंट प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये भी इसमें नॉलेज होनी चाहिए। और इसकी जो सैलरी है वो 16,500 रुपये पर मंथ है और उम्र ओके होनी चाहिए 18 से 50 साल। जो नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राइवर की, उसमें जो इसकी भी एक पोस्ट है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और आपका वैलिड हैवी लाइसेंस होना चाहिए HMV। और जो इसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और बस ड्राइवर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें व्हीकल मेंटेनेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो इसकी पे स्केल है वो PB 5200 माइनस 20,200 रुपये आपकी पर मंथ आपकी सैलरी लगाई गई है और GP है 1900 रुपये प्लस अदर बेनिफिट है DA न्यू पेंशन स्कीम गारंटी ETC एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी, यानी रूल के अनुसार आपको जो सुविधा मिलती हैं वो आपको दी जाएगी। और इसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 50 साल है। जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी है, इसमें जो इसको फैसिलिटी दी जाएगी स्कूल के अनुसार वो फैसिलिटी दी जाएगी और परमानेंट इनको लगाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जनरल एम्प्लॉय की, ये 1 साल के लिए है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और आपका वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसीज का आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसकी जो सैलरी है वो 10,700 रुपये पर मंथ लगाई गई है और इसकी एज है वो 18 से 50 साल इसकी एज मांगी गई है। दोस्तों, इसकी जो फीस है वो ए से लेकर डी तक तो 400 रुपये फीस है और जो ई की पोस्ट है
उसकी 250 रुपये फीस है और ये बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दी जाएगी। और अगर आपको ये फॉर्म जमा करवाना है तो ये जो रेड लाइन का है इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप अपना फॉर्म भर के सबमिट करेंगे और ये फॉर्म ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ये फॉर्म भर के आप सैनिक स्कूल रिवाड़ी में इसको जमा करवाइएगा और वहीं पे इसको जमा करवाना पड़ेगा। फॉर्म के ऊपर क्लिक किया था तो ये फॉर्म हमारा इस तरह का होगा। इसको आप प्रिंट निकाल करके इसमें आप अपना नाम, दस्तावेज जो भी आप लगा रहे हैं साथ में, पोस्ट वगैरह है, ये आप भर के आप सैनिक स्कूल रिवाड़ी में इसको जमा करवाइएगा। ये फॉर्म इस तरह का होगा, इसको आप अच्छी तरह भर लेना, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फोटो लगा के इसको वहाँ पे सैनिक स्कूल में जमा करवाइए। हमारी डीसी रेट की वैकेंसी, अगर कोई मेरा दोस्त अगर कोई इस चैनल को देख रहा है और वो किसी दूसरे स्टेट का है, अगर दूसरे स्टेट में अगर आप वैकेंसी चाहते हैं तो मैं अपने कॉमेंट बॉक्स में अपना स्टेट का नाम लिखिए और उस स्टेट की हम आपको वैकेंसी के बारे में बताएंगे ताकि आपको ढूंढने में आसानी होए और आप अपना फॉर्म भर सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।